हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग बेटा प्रिंस। गुड इवनिंग सर। चलिए 2 मिनट रुक जाते हैं, बच्चे आ जाएं सारे, फिर ज्वाइन स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक यस है? सर। हाँ जी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके कुछ बेसिक्स हम समझ रहे थे आप लोगों के साथ, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है ना? एक मिनट मुझे दे दीजिए, बस मैं स्क्रीन को निकाल लूं दूसरी। हाँ जी, हेलो। हाँ बेटा, अपना जो ये डिवाइस है इनकी वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिएगा सभी लोग। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बताने वाली। अच्छा, किसकी क्वेरी थी? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, विशाल? हाँ ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है बच्चे, सुनो, ये आपके बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक था हम जो कर रहे थे, समझ लीजिए ध्यान से। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, लेट सपोज एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, एक बिजनेस, या फिर आप कह लीजिए केवल बिजनेस है, प्रोफेशन है और एक एम्प्लॉयमेंट है यानी जॉब है। आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है? पेरेंट अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं ना, करते ही हैं, और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चों के नाम आती है ऐसे ही। तो क्या बताओ, आपके फादर, लेट सपोज आपके फादर का बिजनेस है, क्या वो बिजनेस आप वो अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, यस, ठीक है, तो बिजनेस ट्रांसफर किया जा सकता है। लेट सपोज आपके फादर डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, क्या वो अपने बच्चे के नाम वो कह सकते हैं, ठीक है, अब तक मैं डॉक्टर था, अब तक मैं लॉयर था, आगे से मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो लॉयर होगी, हो सकता है ये? नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो दिक्कत, समस्या, समस्या खत्म yes, हो जाती ना। हाँ, फिर समस्या खत्म हो जाती, फिर कहते हैं बच्चे no. कहते हैं पढ़ने की जरूरत ही क्या है सर, पापा की डिग्री है ना, उससे हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, लॉयर बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। अच्छा, मैं बेटा लिख रहा हूँ, ये बेटी भी है, अलग, ऐसा नहीं है केवल बेटे ही आ रहे हैं, बेटियां भी हैं यहाँ पे, ठीक है, बच्चियां भी हैं, ठीक है। चलो, तो पिताजी जॉब में है, ठीक है, तो लेट सपोज पापा कहाँ पर है, बैंक में अकाउंटेंट है, क्या है बैंक, बैंक में अकाउंटेंट है, तो क्या वो अपनी जॉब बच्चे को दे सकते हैं कि ले बेटा आज से तू अकाउंटेंट, मेरे बाद तुम अकाउंटेंट रहोगे? नहीं दे सकते। ठीक है, तो यही ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था बेटा, समझ में आया? यस सर। ठीक है, विशाल की क्वेरी थी, अब सभी बच्चे म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस नहीं आए, आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाँ प्रिंस बोलो बेटा। सर एम्प्लॉयमेंट में लेबरर्स दे सकते हैं दूसरे को? नहीं, वो नहीं दे सकते, एम्प्लॉयर जब तक एम्प्लॉयर नहीं चाहे कोई दूसरे जो काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता एम्प्लॉयर के बगैर परमिशन के आप कहो नहीं ठीक है, अब से मैं नहीं, तुम मत जाना, मैं जाना शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता वहां पे, एम्प्लॉयर कहेगा, मालिक मानेगा ना, तभी बदल सकता है आदमी, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है ना, मालिक नहीं चाहे, जैसे बैंक में मैनेजर जो है बैंक का, बैंक के जो ओनर हैं, जो लोग देखते हैं, तभी बैंक में उस एम्प्लॉय की जगह पे कोई दूसरा आ सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, अनु, भानु, कुणाल, मुस्कान, सब, नेहा, ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, ये नेहा और अनु अभी आने लगे हैं ना बेटा, रेगुलर क्लासेस लेना शुरू करो आप लोग, ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें, हम अकाउंट्स पढ़ने वाले थे तो उसी को करते हैं आज, ठीक है? तो हमारा जो टॉपिक है जी, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको स्क्रीन दिख रही है ना सही से?
यस सर। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको कहा था आपको मीनिंग होना पता होना चाहिए किसका, एसेट का। आपको मीनिंग पता होना चाहिए एक्सपेंस का, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कैपिटल का, आपको मीनिंग पता होना चाहिए लायबिलिटीज का, आपको मीनिंग पता होना चाहिए इनकम का। सर मीनिंग तो पता कर लेंगे, आपने दोनों बराबर ये फॉर इक्वेशन कैसे बना दी। आइए पहले इस इक्वेशन को समझें, जहां पे मैंने लिखा है एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम। ठीक है, जिसने भी म्यूट नहीं कर रखा है वो म्यूट करो, ठीक है ना, सभी बच्चे म्यूट करो पहले। हो गया म्यूट सब ना, ठीक है। चलिए आइए इस बात को समझें। आप एक बात बताइए, हम एक डिस्कशन करते हैं आपके साथ छोटी सी। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। इस लाइन का मीनिंग समझ में आता है कि राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने कितने पैसे लगाए हैं, 10,000 रुपीज। ठीक है, चलिए तो यहां पर दो चीजों का इंपैक्ट आया। देखो जब भी हम देखेंगे ना कि क्या हुआ, मतलब इंपैक्ट जो आएगा जब हम देखेंगे ट्रांजेक्शन को देखेंगे, इवेंट को देखेंगे, इवेंट को देखेंगे या फिर ट्रांजेक्शन को देखेंगे, तो हमें देखना है कि बिजनेस में क्या हुआ है। ये दोनों चीजें कहां देखनी है हमें, इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है ये देखना है हमें। तो बिजनेस के अंदर दो चीजें हुई, एक तो ओनर ने इन्वेस्ट किया, ओनर की इन्वेस्टमेंट क्या हुई बेटा, इंक्रीज हो गई बिजनेस में, पहली चीज तो ये हुई है यहां पे। और दूसरी चीज क्या हुई है बच्चे, दूसरी चीज ये हुई है कि बिजनेस के अंदर कैश भी इंक्रीज हो गया। मुझे बताओ इस बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं है, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। बस यही दो चीज सर, कैश कैसे इंक्रीज हुआ, वापस बोलो सर ये वाले, वापस बोलो कैश कैसे इंक्रीज हुआ। ठीक है मैं बताता हूँ बेटा, आप एक बात बताओ, ये एक शॉप है और ये शॉप के बाहर बोर्ड लगा हुआ है राम, राम की दुकान। राम ने क्या खोला, एक शॉप खोली, एक दुकान खोली, और यहाँ एक छोटा सा ये क्या रखा है, कैश काउंटर। ये क्या है, कैश काउंटर है। ठीक है, राम आया अपनी दुकान पर, कहता है मैंने दुकान स्टार्ट की है, मैं कैश लेकर आया हूँ बिजनेस में। ये राम है, ठीक है, ये खुश होते हुए आ रहा है, इसकी आंखें वाखें तो नहीं बनाता मैं। तो ये चलते चलते यहाँ पहुंचता है और यही इसके हाथ में 10,000 रुपए है, इसके हाथ में क्या है, 10,000 रुपए है। ये लाकर ये यहाँ पे कैश काउंटर पे रख देता है और कहता है जी मेरा ये बिजनेस, ये पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए, 10,000 रुपए बिजनेस में दे दिए। इससे बिजनेस क्या करेगा, सामान खरीदेगा और जो भी खर्चे होंगे वो करेगा ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। बेटा ये जिसका भी वॉल्यूम म्यूट नहीं है ना वो बंद कर दो, एक बार डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको समझ में आया बिजनेस में कैश कैसे इंक्रीज हो गया। यस सर। ठीक है, ये प्रिया जिसका क्वेश्चन था ये। यस सर। ठीक है, अच्छा अब जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है ना बच्चे, ऑनर की इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। इसका नाम क्या है, कैपिटल। ठीक है, और कैश क्या है बेटा, एसेट है। क्योंकि याद करो मैंने आपको ये मीनिंग बताए थे इन पांच चीजों के, एसेट का, कैपिटल का, यस सर, इनकम का। कैश एसेट है ना सर, कोई डाउट नहीं? ठीक है, यस सर। पता है कैपिटल क्या होती है, एसेट क्या होता है, इनकम क्या है, लायबिलिटीज क्या है। अगर आपने किसी से उधार सामान लिया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, उसको पैसे देने हैं, तो आपके लिए आज क्या है, लायबिलिटी है। जब पैसे दे देंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ,
आज के दिन क्या हुआ, बिजनेस के अंदर एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल हुआ, हुआ या नहीं हुआ? बिजनेस में 10,000 रुपए की एसेट आ गई, जो कि बराबर है बिजनेस में मालिक की कैपिटल लगी है 10,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक की इक्वेशन क्लियर है? ठीक है, अच्छा सुनो अगला इसमें। यस सर। हाँ, ये स्टेज वन है, स्टेज वन है ये। स्टेज टू पर चलते हैं। स्टेज टू में क्या हुआ, बैंक से लोन लिया, बैंक लोन लिया है ₹5,000 का हमने, तो क्या हुआ होगा, इसका इम्पैक्ट क्या आया होगा, बताओ इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव, इसका लायबिलिटी इंक्रीज। दो चीजें हुई, एक तो हमारे पास बैंक से लोन लिया तो पैसा आ गया कैश, ठीक है बेटा, कैश कह लो आपके अकाउंट, कैश बैंक में भी कैश ही आया होगा, बैंक ने आपके खाते में दे दिया होगा पैसा आपको, तो भी वो भी कैश ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है। और दूसरा आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि बैंक ने आपको क्या दिया है, लोन दिया है जो आपको फ्यूचर में वापस करना है, ठीक है ना, फ्यूचर में क्या करना है, इस लोन को वापस करना, बिल्कुल वापस करना है, तो ये लायबिलिटी है भाई, हमें चुकाना है ना बाद में, इसको लायबिलिटी है। तो अगर इसको भी इस ट्रांजैक्शन में जोड़ दें तो हमारे पास क्या ऐसा हो सकता है, अब बताओ बिजनेस में कितने की एसेट हो गई इसके बाद, 10,000 की पहले से थी 15,000 प्लस 5,000 और आ गए बिजनेस में, ठीक है, नहीं 10,000 नहीं, 10 तो पहले थे, कैश था ना 10,000 का, तो 5,000 का कैश और आ गया अभी सेकंड स्टेज के कारण, ठीक है। अब इधर देखें दूसरी तरफ, तो मालिक का कितना पैसा लगा हुआ है, 10,000 और लायबिलिटीज कितनी है, 5,000, क्या दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है, यस सर, तो ये क्या बन गया बेटा, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है बेटा, शाबाश, अकाउंटिंग इक्वेशन है जी। अब यही अकाउंटिंग इक्वेशन कोई आपसे पूछ ले कल को कि अकाउंटिंग की इक्वेशन क्या होती है, तो क्या बोलोगे, एसेट बराबर होते हैं किसके, कैपिटल प्लस उधार वालों लायबिलिटीज। इसे एक नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बिजनेस में जो जो चीजें हैं, बिजनेस के अंदर जो भी है, बिजनेस के पास जो कुछ भी है वो कहां से आया है, वो या तो ऑनर का है या बाहर वालों से लिया है, उधार लिया हुआ है भाई। बिजनेस के अंदर जो भी लगा है, या तो सारा का सारा ऑनर का है या थोड़ा ऑनर का, थोड़ा बाहर वालों का है, लायबिलिटीज है। मतलब ये बात प्रूव करते हैं ना आप, ये प्रूफ हो रही है नहीं हो रही, ये प्रूफ है आपके सामने, यस सर, ठीक है। मतलब जैसे मैथ्स में इक्वेशन प्रूफ होती है, 2+2 आप कहते हैं हाँ भाई 4 होता है, तो ये बात समझ में आ रही है ना, प्रूव करके देखा हमने इसको, ठीक है। अच्छा अब अगली बात मुझे बताना, मुझे इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। एक बात बताओ, कैपिटल यानी कैपिटल को क्या है, ऑनर का अकाउंट, ऑनर का अकाउंट है, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट या फिर लॉस किसका होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को बियर कौन करता है, इसको कौन झेलता है, ऑनर, ऑनर, बिल्कुल ऑनर झेलता है, ठीक है। अच्छा एक ऑनर से याद आया बीच में, चलो बाद में बात करूंगा, अभी उसको डिस्कस नहीं करता हूँ, बाद में बात करूंगा, ऑनर का है। तो एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट हो, मैं कहता हूँ शुरू में स्टार्टिंग में, ऑन फर्स्ट डे मैंने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए ऑनर ने, ठीक है, yes, sir. उसके बाद अगर फायदा होगा तो क्या करोगे,
उसको उसके कैपिटल में प्लस कर दोगे या नहीं कर दोगे? उसका बिजनेस में पैसा बढ़ जाएगा। लेट सपोज फायदा हुआ तो 500 रुपए बढ़ा दिए, 500 बढ़ाने, ठीक है। और अगर नुकसान हुआ होता तो क्या करते हैं? माइनस कर देते कैपिटल में से, माइनस माइनस, क्योंकि ऑनर का अकाउंट है क्या कैपिटल? ऑनर का अकाउंट क्या है? कैपिटल है। तो मैंने पूछा कि भाई बताओ capital. तुम्हारा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? कहता है मैंने शुरू में कितना लगाया था? 10,000। 500 का फायदा हो गया, या फिर अगर नुकसान हुआ होता तो मैं क्या करता? माइनस कर देता इसको, ठीक है। तो अंत में मेरा कितना पैसा लगा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरा, आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से प्लस या माइनस करके इसको, ठीक है। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस, दोनों नहीं हो सकते, कोई एक होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्रॉफिट जो है वो क्या होता है? वो प्लस होता है किसके अंदर? कैपिटल में। और लॉस क्या होता है? वो माइनस होता है किसमें से? सबट्रैक्ट, कैपिटल में से, ठीक है। ये बात क्लियर है? Capital. कोई डाउट यहां तक को नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को बढ़ाएं। याद करो हमने इक्वेशन क्या सीखी थी, एसेट बराबर किसके हैं? इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटीज, यही सीखा था। अच्छा एक बात बताओ, सॉरी मैं इस चीज को थोड़ा चेंज करूं, हाँ वापस आ जाते हैं यहीं पर। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट प्लस कर दूं, या फिर इनकम भी लिख सकता हूं इसको मैं, ये प्लस करना है, सॉरी प्लस कर दिया मैंने, सही है ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये तो इसी में जुड़ना होता है भाई। प्रॉफिट किस में जुड़ता है? कैपिटल में ही। तो मैंने अलग से भी लिखा पर प्लस करके लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी का है ये। अच्छा अगर लॉस होता तो क्या करना चाहिए था? सबट्रैक्ट, ठीक है। लॉस यानी एक्सपेंस भी बोल सकते हैं उसको आप, और लायबिलिटी तो पहले से है ही, लायबिलिटी पहले से है बेटा। अच्छा अब सब चीजें प्लस की हैं, ये वाला बेचारा माइनस का है यहाँ पे, इसको उठा के इधर ले जाएं, है ना? तो क्या सिचुएशन क्या बन जाएगी? सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, प्लस एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। ये बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? यस, ठीक है। तो यही चीज मैंने शुरू में लिखी थी आप लोगों के लिए, ठीक है, यही लिखा था मैंने, ओके। बस मैंने इनकम थोड़ा पीछे लिख दिया, साथ में भी लिखता है, एक ही बात है वो तो। तो ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है अकाउंटिंग इक्वेशन का, इसी से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग भी निकाल लीजिए बुक अपनी, बुक है ना सबके सामने, पेज नंबर क्या है, चैप्टर 6 है ना ये। आप लोगों ने इसके इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस किए थे? यस सर। मैंने करने को बोला था आप लोगों को। यस सर। ठीक है बच्चे, अच्छा मैंने अभी रूल नहीं पढ़ाए हैं आपको, वो बाद में पढ़ाऊंगा तब उस पे काम करूंगा, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं केवल, तो वही काम करें उस पे, ठीक है। तो पेज नंबर 6.25 आ गया मेरी बुक में, तो 6.25 है, और वो कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूँ। आप लोग ट्रांजेक्शन लिखना अपने पास है, अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी आपने करने हैं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, आप ना एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग कैसे बनाएंगे? यहाँ लिखेंगे एसेट, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करना। यहाँ तो आप क्या लिखते हैं, गिवन पार्ट होता है जो क्वेश्चन का, गिवन जो चीज होती है, यहाँ फिर उसे एक लाइन लगा लेते हैं ना, एसेट इक्वल्स टू
कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी, ठीक है, ये हेडिंग बना ली और यहां लिख लेना एक्सपेंस, ये हेडिंग बन गई आपकी, ठीक है। मैं बाकी चीजें यहां से हटा देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया तो दो चीजें हुई, एक तो बिजनेस में क्या क्या बढ़ गया, बिजनेस में कैश, ठीक है ना, कैश बढ़ गया, और दूसरा इधर कैपिटल, तो कैश कितने से बढ़ गया, 1,00,000 रुपए से, क्वेश्चन है ना सब लोगों के पास। यस सर। तो देखो क्या दोनों बराबर हैं, बताइए जी मुझे, ये हमने इसको टोटल कर लिया इन सब का, ठीक है ना। अब दूसरी ट्रांजैक्शन पर चलें, परचेज फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, कैसे लिया है, कैश में लिया है, कितने का लिया है, 5,000 रुपए का। तो फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर बिजनेस में आ गया और कैश चला गया, तो यहां क्या करो, माइनस 5,000 माइनस करो, और यहां एक और बना लो फर्नीचर, यहां पे प्लस कितना, 5,000। अब जरा नेट करो इसको, टोटल करो, यहां कुछ नहीं हुआ इस साइड में, ठीक है, तो कितना हो गया, 95,000 प्लस 5,000 बराबर 1,00,000। क्या बात सही है, देखो बराबर आ रहे हैं ना दोनों साइड, ठीक है, आगे चलें। यस सर। ठीक है, अब थर्ड, अब देखो लाइन लगा दी यहाँ पे, बैलेंस आ गया, ये तो क्या है, ये तो बैलेंस आए हैं, ये बैलेंस है, ये भी क्या था, बैलेंस था, ट्रांजेक्शन नीचे आती है। अब ट्रांजेक्शन थर्ड पर आ जाओ, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में, गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। चलो नीचे चले, मेरी थोड़ी लाइनें टेढ़ी हैं, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ज्यादा प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया मैंने, ठीक है। कितने के खरीदे, 20,000 रुपए के, ठीक है बेटा। तो क्या होगा भाई, गुड्स जो है ना, ये मैं आपको आगे के लिए बता देता हूँ, हमेशा के लिए एक बात याद रखना, आगे आप गुड्स क्या होते हैं, आइटम्स, गुड्स क्या है बेटा, आइटम्स परचेज्ड फॉर, बोलो, सेल, गुड्स का मतलब क्या होता है, वो आइटम्स, वो सामान जो आपने बेचने के लिए खरीदा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल परचेज, या तो नॉर्मल परचेज बोल लो गुड्स को, आप क्या बोलते हैं, या फिर दूसरा वर्ड क्या होगा, गुड्स परचेज। अच्छा मैं बोलूं सीधा सा एक और चीज, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, और इन दोनों में अंतर है, क्योंकि हो सकता है फर्नीचर जो है, जो फर्नीचर है वो आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा, वो आपने यूज करने के लिए खरीदा है, फर्नीचर परचेज किया है आपकी एसेट है, और गुड्स परचेज करने के लिए आपके यहाँ आपके एक्सपेंस है, ध्यान रहेगा ये बात, बताइए। यस सर। सबको ध्यान रहेगा ना ये बात, गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए, इसलिए खर्चा है, फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीदा। हाँ हमारा बिजनेस होता फर्नीचर बेचने का, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए फर्नीचर भी गुड्स बन जाते, बट नहीं है हमारा बिजनेस, हम मान के चल रहे हैं। अच्छा इसके आगे एक और चीज सुनो, लेट्स सपोज आप गुड्स सोल्ड, तो क्या बन जाएगी, इनकम, ठीक है ना, बेचा तो खर्च, खरीदा तो एक्सपेंस, बेचा तो इनकम, ठीक है ना बात, ये ध्यान रखना, गुड्स इंपॉर्टेंट है,
जो बेचने के लिए सामान खरीदा जाता है उसी को एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लें यहाँ पे एक्सपेंस में, क्योंकि खर्चा है तो परचेज में आ जाएगा, ये परचेजेज आ गई हमारी। तो यहाँ पे हमने नगद में खरीदा है तो हमारे पैसे चले गए, कितने के खरीदे 20,000 के, और यहाँ प्लस कितना हो गया 20,000, टोटल करो ये कितना हो गया 75,000। ये पहले से इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो ये 5,000 का 5,000 ही है, और ये कितना हो गया इक्वल्स टू 1,00,000। बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या अगली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये तो क्या आया बेटा, ये तो बैलेंस आया है ये तो, ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या हो, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, कैसे खरीदा है आपने, उधार में खरीदा है, ठीक है। तो गुड्स खरीदे तो गुड्स तो आए गए, कितने के खरीदे हैं गुड्स आपने बताइए, 36,000 के, 36,000 के खरीदे हैं तो गुड्स तो आ गए 36,000। अच्छा पैसा कितना गया बताइए बेटा, पैसा कितना गया इन गुड्स को खरीदने में सर, लोन पे क्रेडिट पे बताइए सर, एक भी नहीं गया। शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उधार खरीदा है तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर पैसा नहीं गया, फर्नीचर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर भी कोई फर्क नहीं, मालिक को भी फर्क नहीं पड़ा, उधार में खरीदा है तो क्या हो गया यहाँ पर, ये लायबिलिटी, ठीक है ना, क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी यानी क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी अकाउंट बोल लो या क्रेडिटर बोल लो, ठीक है। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है, और जिनसे पैसा लेना है उनको क्या बोलते हैं, डेटर, ठीक है। तो यहाँ मैं वैसे समझाने के लिए यहाँ ले आता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, वैसे आपसे ऐसे डॉटेड लाइन लगाने नहीं है, आप तो क्या है स्केल से लाइन बनाएंगे ना, तो ऐसी चीजें नहीं आएंगी वहां। तो कितना हो गया जी, ये 36,000 की लायबिलिटी बढ़ गई, प्लस हो गई ना, चलो अब बैलेंस करो इसको, ये 75 ऐसे का ऐसा है, यहाँ कुछ नहीं हुआ तो 5,000 का फर्नीचर हमारे पास है, ठीक है, और इधर ये कितना हो गया 56,000 हो गया बेटा, इधर कुछ भी नहीं हुआ तो 1,00,000 एज इट इज है, इनकम में अभी कुछ आया नहीं, और इधर हमारे पास क्या आ गया 36,000। ये माइनस का साइन नहीं है, बस कुछ नहीं था इसलिए मैंने निल मार दिया था, ये लिख दिया था इसको, ठीक है। चलिए आगे चलें, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, मुश्किल तो नहीं है, बस आपने ढूंढना है कि ट्रांजैक्शन में क्या दो चीजें इन्वॉल्व हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे 6 ट्रांजैक्शन है उसमें दो से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है, वो भी कर लेते हैं। पहले फिफ्थ लिख लें जल्दी से, फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखो, ये तो क्या आया बैलेंस आया, फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखें, पेड रेंट, रेंट क्या है खर्चा है, कितना पे किया रेंट आपने 700, तो पे किया है तो पैसा गया होगा बेटा, और रेंट क्योंकि खर्चा है तो यहां पे एक और अकाउंट बनना चाहिए आपका रेंट के नाम से, ठीक है, खर्चों के एक्सपेंस के अंदर मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, ये यहां आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये खर्चे कितने बढ़ गए 700 रुपए से बढ़ गए, बाकी किसी भी चीज पे इम्पैक्ट नहीं आया, ना तो फर्नीचर पर आया, ना परचेज पर आया, ना कैपिटल में आया, ना ही लायबिलिटी में आया। तो आइए अब इसको करें दोबारा से बैलेंस, 75,000 में से 700 गए तो कितने बचे 74,800 कैसे, क्या कर रहे हो, अरे नहीं 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 कोई बात नहीं, ध्यान रखो है ना, शाबाश बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ बताइए सर, अगर रेंट का अकाउंट ना बना के कैपिटल में से सीधा माइनस कर दे तो,
कर सकते हो, बट मेरा तो मन करता है कि बना लो, तभी तो ज्यादा अच्छी दिखेगी चीजें। अभी हमने कुछ प्रिंसिपल्स नहीं कराए हैं आपको, ठीक है, कर सकते हो, गलत नहीं है वो भी बेटा, क्योंकि नुकसान है, ये नुकसान है, कर सकते हो, गलत नहीं होगा, जो बच्चा बोला था ना अभी, ये गलत नहीं बोला आपने, क्योंकि अंत में ये नुकसान है हमारा, बट प्रैक्टिकली आगे चलने के लिए सीखें तो अलग कर लो, आगे फायदा देंगी ये चीजें। मैं कुछ कारण है ऐसा मना कर रहा हूँ करने के लिए, कर सकते हो, ऐसे गलत नहीं है तरीका। ओके सर, ठीक है सर, ये रैंक की जगह एक्सपेंसेस का वो बना सकते हैं कॉलम। हाँ वो आप वाला भी सही है, पर मैंने रेंट लिखा उसका भी पीछे कारण है, क्योंकि देखो मैं चलो कारण बता देता हूँ आपको, ये तो अब आप कर ही लोगे ना, मैं फटाफट सिक्स्थ कर देता हूँ फिर कारण बताता हूँ आपको, टाइम थोड़ा कम रहेगा ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। सर एक ट्रांजेक्शन है। हाँ बोलो बेटा। वो गुड कॉस्टिंग तो मतलब 12,000 है और सोल्ड ऑन क्रेडिट 15,000 है, ये कैसे होगा? हाँ ये हम यही ऐसा ही कुछ ट्रांजेक्शन करा रहे हैं, क्रेडिट वाला करा दें कैश वाला कराएं, अभी सिक्स ट्रांजेक्शन ऐसा ही है, तो दोनों के ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, तुम्हारा ले लेते हैं, छोड़ो हमारे वाला हटाओ, तुम्हारा ट्रांजेक्शन लेते हैं, क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 ऑन क्रेडिट, यानी उधार में बेचा, तो आपके गुड्स कितने के कम हो गए? ठीक है, 12,000 के, 12,000 के सामान 15,000 में बेचा, तो 3,000 का प्रॉफिट है। यस सर, मालिक को yes, मालिक के खाते में जोड़ दे 3,000। yes, और जो 15,000 है वो अभी आने बाकी है, डेटर। बिल्कुल डेटर है ना, अभी आए नहीं है ना, तो वहां इसको एक अलग से एक अकाउंट और बनेगा यहाँ डेटर के नाम का, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा प्लस में। कितना लिखोगे? 15,000। अब मैच करके देखो, मैच करेगा, क्योंकि मैच इसलिए करेगा, देखो इधर 15 में से 12 माइनस कर दो, 3 इस साइड आपने कितने प्लस किए हैं, नेट अगर देखें तो इधर 3,000 प्लस किया है, और इस साइड भी देखो तो कितना किया है, 3 प्लस किया है, तो दोनों साइड बराबर मैच कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे? वही हो जाएंगे। कैश में हुआ होता तो, अगर ये कैश में हुआ होता तो हम नया अकाउंट नहीं बनाते और यहाँ कैश में प्लस कर देते सीधा, कितना 15,000, ठीक है, अगर ये क्रेडिट नहीं होता कैश होता तो, ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अगर क्वेश्चन डालूंगा तो अटेम्प्ट कर पाओगे? इजी है बिल्कुल। अब कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, समय मेरे पास 4-5 मिनट बचे हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग बेसिक। आइए जी, वो मैं अभी से छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस कराना था, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं हो तो मुझे बता देना, मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना, हम कर लेंगे उसको, ठीक है? अब यहाँ आइए, मेरी बात सुनिए ध्यान से बच्चे। हम कोई बच्चा कह रहा था सर हम ऐसा नहीं करें वैसा नहीं करें, जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था क्या रेंट डायरेक्ट ही कैपिटल अकाउंट में जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हो, मना नहीं, क्योंकि रेंट खर्चा है, अंत में तो सारे खर्चे मालिक को ही बियर करने हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा मालिक का ही होगा। बट हमारे यहाँ पर ना एक प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर का, फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल है, वो हमने अभी पढ़ा नहीं है आपके साथ, वो हम करेंगे। उसमें क्या होगा जी कि जो आपके प्रिंसिपल कहता है फुल डिस्क्लोजर कि हमें जितना भी हो सके फुल्ली सारी चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए, कुछ चीज छुपानी नहीं चाहिए। तो जब आप रेंट का अकाउंट ही नहीं बनाएंगे, रेंट को दिखाएंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा क्या हुआ? ट्रांजेक्शन दिखेंगे नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को, ठीक है, कर सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा, बट कोशिश करो कि ऐसा ना करो, जितनी इंफॉर्मेशन दी जा सके उतनी दो, ठीक है। ऐसे एक और बात थी, किसी बच्चे ने बोला था, कुछ आई थी क्वेरी मेरे पास, क्या ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैं मिस कर गया शायद, इसी रिलेशन में थी, तो मैं कहा चलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने ना आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं कराए हैं, क्योंकि मैं साथ साथ में कराता रहूंगा। जैसे आज मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया फुल डिस्क्लोजर का, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक है, छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपकी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है,
जो यूजर्स हैं वो डिसीजन तभी तो ले पाएंगे जब उनके पास सारी चीजें क्लियर टर्म्स में होंगी। अगर चीजें क्लियर टर्म्स में नहीं है तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो लोग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है सर, सारी चीजें बतानी चाहिए, अच्छी बात है। क्या एक एक पैसे का हिसाब देना होगा? नहीं, चीजें राउंड ऑफ कर सकते हैं। जिनका लाखों करोड़ों रुपए में बैलेंस हिसाब होता है वो 150 रुपए का तो देखते ही नहीं, वो राउंड ऑफ कर देते हैं। हो सकता है हजारों रुपए को राउंड ऑफ कर देते हो, ठीक है। जो करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं वो हजार रुपए को हटा देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे आप पैसों को राउंड ऑफ करते हैं ना, दस रुपए में दो, दस रुपए पांच पैसे, तो आप दस रुपए ले लेंगे, राउंड ऑफ किया आपने। हम छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस में हो सकता है हजारों रुपए को राउंड ऑफ कर सकता हो, ठीक है, जो करोड़ों में ट्रांजेक्शन कर रहा है। ये कहाँ आता है? ये मटेरियलिटी में आता है। मटेरियलिटी नाम का हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कहता है हमें अकाउंटिंग में वो चीजें, वो बातें बतानी चाहिए जो कि मटेरियल है, राउंड ऑफ। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको मटेरियलिटी का, हमारे अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट के पास कैश लॉकर था लेट्स सपोज बिजनेस में, ठीक है, कैश भी वही देख रहा है, तो उसका एक रुपए का सिक्का निकल लॉकर से या कैश काउंटर से निकल कर गिर गया नीचे। अब उसने कहा नहीं नहीं, एक एक रुपए का हिसाब देना है, बात सुनना ध्यान से, एक एक रुपए का हिसाब देना है। जिसके चक्कर में वो सुबह आया ऑफिस, तब गिर गया था, सुबह 10 बजे आया, वो शाम के 5 बज गए, अभी तक उसे सिक्का नहीं मिल रहा हो एक रुपए का, ठीक है। अब क्या बताओ, ये काम सही किया उसने? नहीं, बिल्कुल गलत किया ये काम साहब। उस एक रुपए के चक्कर, एक रुपए को बचाने के चक्कर में वो सुबह से शाम कर चुका है, उसने और कोई काम नहीं किया, ठीक है। उसकी इतनी तो सैलरी बनती है दिन की, मानो उसकी 300-400 रुपए तो डेली की अगर कैलकुलेशन की जाए एग्जाम्पल, तो 300-400 रुपए तो उसकी सैलरी है। तो उसने 1 रुपए ढूंढने के लिए 300-400 रुपए की सैलरी खराब कर दी। तो वही ये याद आती है मटेरियलिटी पर, अगर चीज मटेरियल नहीं तो उसे इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है। बात क्लियर है मेरी आप लोगों के सामने? बताइए मुझे, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखनी होती है। एनीवेज, और बताइए इसके अलावा कोई डाउट क्वेरी है तो आप लोगों के, क्योंकि अभी टाइम खत्म होने वाला है, तो हो सकता है क्लास बीच में खत्म हो जाए, और अभी इकोनॉमिक्स की क्लास भी है ना आप लोगों की, इसलिए मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। और बताइए, स्टार्ट हो गई है वो? हाँ मैम, वेट कर रहे होंगे फिर, बस एक मिनट ही बचा था, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग, अच्छा मंडे को मिलते हैं, मंडे को क्लास है, ओके, बाय बाय।